नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है, पिछले बार जो मैंने आप लोगों को पिलो कवर पेंटिंग दिखाया था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिया है मेरी बेटी को, बहुत सारे उसको एनकरेज किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी पेंटिंग, ठीक है, जिसमें मैंने मंडाला डिज़ाइन ड्रॉ किया है और साथ में ब्लॉक प्रिंट, ये दोनों प्रिंट एक साथ आप लोगों को दिखने मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए वीडियो को देखते हैं। ब्लॉक प्रिंट करने के लिए मैंने पहले एक आलू को डायमंड शेप में काट लिया और उसको फिर पिंक कलर से ब्लॉक प्रिंट किया। उसके बाद मैंने साड़ी का जो स्टार्टिंग पल्लू है उसमें मैंने पहले ब्लैक लाइनिंग करके मंडला डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आउटलाइन मैंने ब्लैक कलर से कर लिया और इसमें मैंने 4 नंबर और 0 नंबर का ब्रश की मदद से पूरे आउटलाइन को किया है। फैब्रिक पेंटिंग करने से पहले मैंने ये कपड़ा को पूरा धो लिया और उसका जो भी स्टार्च था स्टार्च निकाल लिया और उसके बाद उसको प्रेस भी कर लिया। अभी मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे कलर करने के लिए शुरू कर दिया और ये साड़ी बहुत ही प्लेन था, उसमें कोई कलर नहीं था, वाइट प्लेन साड़ी था और उसमें मुझे एक ब्राइट लुक लाना था। इसके लिए मैंने जितना हो सके ब्राइट कलर यूज़ करने के लिए ट्राई किया। फैब्रिक कलर पेंटिंग करने के टाइम बहुत ही सावधान से करना चाहिए। ये देखिए, मेरा थोड़ा सा ब्लैक कलर स्प्रेड हो गया था, इसके लिए ये दाग रह जाएगा, अभी ये तो जाएगा नहीं। बहुत ही केयरफुली करना है कलर, और एक कलर सूखने के बाद ही दूसरा कलर में जाना है, नहीं तो आपका हाथ लग के कलर स्प्रेड हो सकता है। फैब्रिक कलर करने के टाइम मैंने इसमें कोई भी पानी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कलर ही लिया है और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े मैंने मीडियम यूज़ किया है, बाकी मैंने पानी नहीं लिया है क्योंकि पानी लेने से हमको डर है कि स्प्रेड हो जाने का चांसेस रहता है। और एक कलर सूखने के बाद ही दूसरे कलर में जाना है, और जब भी कलर करें बॉटल को दूर पे ही रखिए, नहीं तो कलर गिर जाने का चांस रहता है। हम लोग एक कलर से दूसरे कलर करते हैं, उस टाइम ब्रश को अच्छे से धो भी लेना है और धोने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, मैं 0 नंबर ब्रश लेके अभी पत्ते का डिज़ाइन कर रही हूँ। पाँच नंबर फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और उससे ये रेड कलर कर रही हूँ।
और रेड कलर सूखने के बाद मैंने पत्ते को इसे डिज़ाइन किया है गोल्डन मेटलिक कलर से। इसमें मैंने थोड़ा सा मीडियम वन मिक्स किया है, ये दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया। ये डिज़ाइन को और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए मैं ऐसे करके और थोड़ा डिज़ाइन बना रही हूँ। इसमें देखिए ऐसे लाइन करके फिर इसको इसे ऊपर से जॉइन कर देना है, बस सिंपल डिज़ाइन है। बाद मैंने ये डिज़ाइन में ऑरेंज और येलो कलर किया है, उसमें एक ब्राइट लुक आने के लिए मैंने ये दोनों कलर यूज़ किया है। और ये मैं अभी पर्ल गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई मीडियम यूज़ नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट लिक्विड बॉटल में ही आता है। ये देखिए साड़ी के जो पल्लू है इसमें भी मैंने ऐसे करके घुमा घुमा के थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही प्लेन था, प्लेन साड़ी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे उसमें कुछ डिज़ाइन चाहिए था। इसके लिए मैंने पूरे साड़ी में जितना हो सके डिज़ाइन करने के लिए ट्राई किया है। देखिए स्टार्टिंग में भी ऐसे कर दिया है। अगर आप कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आप लोगों को आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, DIY में इंटरेस्ट है, तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हकल मोर अखोमिया बंधु बांधवी आसे तेलोगोको मय बहुत बहुत धन्यवाद जनाइसु। आपनलके मोर भिडिओ बिलाक आगर परा साय आसे, इमान मरम दिसे आपनलके, तार बाबे बहुत बहुत धन्यवाद। आगलयो भिडिओ बिलाक साय जाबो बुली आखा करिलु। आरो जदि कोनोबाय प्रथम बार साय आसे तेते हले सबस्क्राइब करि लबो। आपनलोकर जदि एबारर भिडिओटु किबा प्रश्न थाकि जाय, किबा हुधिबलगिया थाके, तेते हले आपनलके कमेन्ट बक्सत निश्चय कमेन्ट करिबो, तात आपनलके हुधिबो पारे কি জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ আজি পেইণ্টিংটোৰ ওপৰত। এক দুসৰা ব্লক প্ৰিণ্ট হে জিসমে মেনে উডেন ব্লক লিয়া হে, উডেন ব্লক লেকে মেনে ব্লক প্ৰিণ্ট কিয়া হে। ইসমে মেনে টোটেল তিন কালাৰ দিয়া হে, ব্লু, অৰেঞ্জ আৰু এক গ্ৰীণ। এই তিনো কালাৰ কৰকে মেনে পুৰে সাৰী কা জো বডি হে উসমে পুৰা মেনে ব্লক প্ৰিণ্ট কৰ দিয়া। ये देखिए साड़ी का पल्लू और ये मेरा है फाइनल लुक साड़ी का। ये देखिए ऊपर का कैसा लग रहा है, डिज़ाइन बताइए आप लोग। और ये उसका फोल्ड साड़ी का प्लेट्स, इसमें देखिए इसका जो प्रिंट है, प्रिंट कितना अच्छा से आ रहा है देखिए आप लोग। देखिए ये ऑरेंज कलर, ब्लू कलर और ये बहुत ही ब्राइट लग रहा है, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए साड़ी इसका लुक पूरा चेंज हो गया, पहले इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ दो साइड में ब्लू कलर का बॉर्डर था और बाकी पूरा साड़ी प्लेन। ठीक है, अगली बार फिर से मिलूंगी कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में, तब तक के लिए नमस्कार।